अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट अली हसनैन। आज हम हैं लाहौर के खूबसूरत पार्क लारेंस गार्डन में और यहां पे हम करने वाले हैं ढेर सारी मस्ती। हमारे शो का नाम है रॉयल मस्ती। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा अपनी टीम का। जी वफा चौधरी, और मेरे साथ है आज ढोल पे एक बहुत ही अच्छा ढोल बजाने वाले जो कि स्पेशल डस्का से आए हैं। क्यों ना जाके कुछ उनसे भी मालूमात ले ली जाए कि उन्होंने कब से ढोल बजाना शुरू किया और हमारे साथ आज मस्ती में क्या क्या करने वाले हैं। तो आए मिलवाते हैं आपको साई अब्बास से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साई साहब, कब से ढोल बजा रहे हैं आप? 15-20 साल हो गए। अच्छा, साई अब्बास आप ही का नाम है ना? जी साई अब्बास मेरा नाम है। अच्छा साई साहब, थोड़ा सा कुछ गुनगुना के दिखा दे, थोड़ा सा बजा के दिखा दे ढोल को। हर एक्सरसाइज में होता है वार्म अप, तो मस्ती में क्यों ना वार्म अप कर लिया जाए। और वार्म अप के लिए हमारे पास ढोल है, और ढोल के साथ थोड़ा सा भांगड़ा हो जाए ना तो हम मस्ती के लिए वार्म अप हो जाएंगे। तो चले जी पब्लिक में चलते और पब्लिक के साथ थोड़ा सा भांगड़ा हो जाए। बजाओ जी। जी मस्ती का आगाज हो चुका है और हम वार्म अप भी हो चुके हैं और हमारी पब्लिक भी वार्म अप हो चुकी है, तो क्यों ना हम अपने सबसे पहले सेगमेंट जो कि हमारा गेम शो है उसका आगाज करें। अब गेम शो हमारा बिल्कुल सिंपल सा है। हमारे पास एक बॉल है, उसमें पर्चियों पे मुख्तलिफ एक्ट लिखे हुए हैं। पब्लिक में से किसी एक को चुनेंगे, वो पर्ची निकालेंगे और जो उस पे लिखा होगा परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो क्यों ना चले पब्लिक के पास और गेम स्टार्ट करें और लेट्स स्टार्ट द मस्ती अगेन। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान है। अच्छा जी, माशाल्लाह से। अच्छा भाईजान, करना ये है कि हमारे इस बॉल में पर्चियाँ हैं और उसमें मुख्तलिफ एक्ट लिखे हुए हैं। आप एक पर्ची निकालेंगे, आपको हम पढ़ के सुनाएंगे, जो लिखा होगा वो परफॉर्म करना है। तो प्लीज़ आप अपनी पर्ची निकालिएगा। जी पर्ची हमें दे दीजिएगा। वफा पढ़ के सुनाए क्या लिखा है इसमें। वाओ, आपको गाय की आवाज निकाल के दिखानी है हमें। वैसे गाय की आवाज सुनी तो होगी आपने? सुनी है और देखी भी है। अच्छा अच्छा, वैसे भाई बहुत टैलेंटेड है। नॉर्मली आवाजें सुनी जाती है लेकिन भाई आवाजें देख भी सकते हैं, तो देखते हैं इन्होंने देख के उस आवाज को कैसे कॉपी किया। जी प्लीज मेरी बात सुनो कि गाय की आवाज मैं निकाल नहीं सकता हूँ। अच्छा जी, ये गाय की आवाज नहीं निकाल सकते। अच्छा, हमारे शो में ना फ्लेक्सिबिलिटी भी है। अगर कोई पर्ची इस तरह की निकल आए जो अगला बंदा एक्ट ना कर सके तो हम उससे फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं। तो उसमें सिंपल ये है कि आप कोई गाना सुना दे, कोई शेर सुना दे, कोई गाना तो सुना सकते हैं ना। आप सॉन्ग सुनाते हैं अली खबर का, मस्ती के दिन है चलो जुमे और गाए हम, सारे जमाने में बस एक में हम एक में तुम, बस मस्ती के दिन। जी देखिए, तालियों की गूंज और बच्चों की आवाजों से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि मस्ती कितनी हो रही है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भाई ने चाहे दो लाइनें सुनाई हैं लेकिन कैमरे के आगे आके परफॉर्म करने के लिए अप्रिशिएट इनको किया गया और मेरे ख्याल से एक बार फिर अप्रिशिएट करना बनता है। तो बच्चों जरा क्लैपिंग होनी चाहिए। इसी तरह मस्ती का सिलसिला जारी रहेगा और हम चलते हैं पब्लिक में, मजीद किसी और से बात करते हैं और अपने यही गेम शो को जारी रखते हैं। तो आए चलते हैं पब्लिक में दोबारा से। और यहाँ पे मुझे दो नन्नी मुन्नी बच्चियाँ नजर आ रही हैं, तो इनके साथ थोड़ा गेम शो हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिनाहिल सदर। मिनाहिल, अच्छा मिनाहिल, ये सिंपल सा गेम शो है हमारा। आपने पर्ची निकाल ली है, पर्ची पे जो लिखा होगा वो परफॉर्म करके दिखाना, तो प्लीज पर्ची निकालिएगा। जी पर्ची हमें दे दें। बताइएगा वफा क्या लिखा है। गुड़िया, आपको कायदे आजम का कोई पैगाम देना होगा हमें। अच्छा जी, कायदे आजम का पैगाम देना है। कायदे आजम के बारे में आपने हमारी मतलब किताबों में तो बेशुमार लिखा गया है, और कायदे आजम साहब जो हैं ऑब्वियसली बानी पाकिस्तान है, तो उनके बारे में कोई ना कोई तो पैगाम आपको खूबसूरत सा देना पड़ेगा प्लीज। कायदे आजम का पैगाम था ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। अगर ये हम कर सकते तो हम जिंदगी में कुछ भी कर सकते। हम सब कुछ कर सकते हैं। इन तीन बातों पे हम लोग ईमान ले आए ना तो हम सब कुछ कर सकते हैं।
माशाल्लाह से देखिए छोटी सी बच्चियों में कितना जज्बा है। ना सिर्फ उन्होंने पैगाम दिया है और अपने पूरे जज्बात के साथ पैगाम दिया है। अगर हमारे छोटे छोटे बच्चे इन पैगामात को अपने दिमाग में रखें तो शायद हमारी जनरेशन में जो ये मसले मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाए। बहरहाल ये तो हो गई सीरियस बात, हम दोबारा मस्ती की तरफ ही चलते हैं, दोबारा चलते हैं पब्लिक में। और लेकिन बच्चों के लिए यार ढोल तो बजाना चाहिए ना, और तालियां भी होनी चाहिए बच्चों के लिए, तालियां। ठीक है साईं जी, थैंक यू। देखिए जी मस्ती करने का बहुत मजा आ रहा है और साथ साथ मजा मौसम का भी आ रहा है। आज कड़कती धूप है और राइट साइड से फुल जो है ना मेरे चेहरे को चमका रही है। तो अच्छा थोड़ा मैं आपको अपने शो के बारे में बताऊंगा कि हमारा शो है कंप्लीट फैमिली शो। इसमें हम बच्चों के साथ भी परफॉर्म करते हैं, बड़ों के साथ भी, बुजुर्गों, औरतों के साथ, हर किसी के साथ हम ये परफॉर्म करते हैं। ये हमारा कंप्लीट फैमिली शो है। तो क्यों ना चल के अब थोड़ा सा बच्चों के साथ मस्ती कर ली जाए। और मुझे कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं, आए चलते हैं बच्चों के पास और उनके साथ करते हैं ढेर सारी मस्ती। ये देखे जी प्यारे प्यारे खूबसूरत बच्चे हैं और क्या बात है, कितनी खूबसूरत आंखें हैं इन बच्चों की। चले इन बच्चों से थोड़ा सा तारुफ भी हो जाए। जी बेटा क्या नाम है आपका? साइन। साइन, अच्छा बारी बारी सब अपना नाम बताएंगे। आपका क्या नाम है? नैयर। अच्छा नैयर। आपका? शहरोज। आपका? मोहित। आपका? ताहा। आपका? तलहा। आपका? हसन। नाम बड़े खूबसूरत है लेकिन मैं दोबारा रिपीट नहीं कर सकता, काफी ज्यादा बच्चे हो गए हैं। तो डायरेक्ट परफॉर्मेंस पे आते हैं और इनसे निकलवाते हैं पर्ची। अच्छा सबसे पहले आप बड़े हो, चलो बड़ों से आगाज करते हैं। इसमें से आपने निकालनी है पर्ची और पर्ची पे जो लिखा होगा वो आपने परफॉर्म करना है। जी निकालिएगा पर्ची। पर्ची दे दें आप ही को। हाँ जी अब आप बताइएगा क्या इसमें? प्यारे से बच्चे को हमारे लिए नगमा सुनाना होगा। नगमा सुनाना होगा। अच्छा जी कोई पाकिस्तानी खूबसूरत सा नगमा सुनाएं आप। कौन सा नगमा सुनाने वाले हैं आप? दिल दिल पाकिस्तान। अच्छा दिल दिल पाकिस्तान है, तो बच्चे के साथ अगर सारे बच्चे मिलके गाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। क्यों बच्चों सब मिलके गाओगे? वाओ। अच्छा जी चले जी बच्चों से स्टार्ट करते हैं, सारे एक आवाज में गाएंगे। चले जी दिल दिल पाकिस्तान पाकिस्तान दिल पाकिस्तान। जी बच्चों के साथ जो मस्ती करके मजा आया ना, मुझे पूरे शो में ऐसा मजा ना आया है ना लगता है आने वाला। हाँ दोबारा जरूर आएगा ऐसा मजा, लेकिन वो फिर बच्चों के साथ ही आएगा क्योंकि बच्चों की मस्ती होती है प्योर। ना इनको परवाह होती है कि हम कैसे लग रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं। जब आप मैच्योर लाइफ में जाते हैं तो आप बहुत सी चीजों का ख्याल कर रहे होते हैं, लोग क्या सोचेंगे, लोग देखने वाले क्या कहेंगे। लेकिन बच्चा बिल्कुल आजादाना मस्ती करता है, बच्चों की आजादाना मस्ती देखकर एक बार अपना बचपन भी याद आ गया। देखिए जी मस्ती चल रही है और ढोल के साथ मस्ती करने का तो क्या खूब मजा आ रहा है। और पंजाबी जो है ये तो वैसे ही ढोल की आवाज सुन के झूमने लगते हैं और मस्ती में आ जाते हैं। लेकिन हमारे जो साई अब्बास साहब हैं, साथ में उनके एक बेटे हैं जाबर अब्बास साहब, ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस भी करते हैं ढोल बजाने के साथ साथ ढोल को गले में डाल के घुमाना। तो क्यों ना हम अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए भी इनका ये जो आइटम है ये आपको दिखाएं। और हम चलते हैं साई साहब के पास और उनको कहते हैं जरा परफॉर्म करके दिखा दें। जी साई जी आप एक बड़ा खूबसूरत आइटम करते हैं, उसमें होता ये है कि आप ढोल जो है ना गले में डाल के घुमा के दिखाते हैं। तो जरा हमारी पब्लिक को भी एंटरटेन कीजिए, पंजाबी जो हमारी पब्लिक है वो देखे और वो देखते देखते टीवी में ही आपको देखते हुए जब आप ढोल बजा रहे हो वो झूमना शुरू कर दें। तो कुछ इस तरह करके दिखा दें। तो चले जी साईं अब्बास साहब की इस आइटम को देखते हैं।
अच्छा बन गया। बहुत लोगों की राय ली जाए कि ये जो हम शो कर रहे हैं पब्लिक में आके, ये जो स्ट्रेस के माहौल को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पब्लिक को कैसा लग रहा है, तो चल के पब्लिक में से किसी से बात करके देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद आशिक, मेरा नाम है जी। अच्छा आशिक साहब, बताएं अगर हम ये एंटरटेनिंग शो कर रहे हैं तो इसका क्या फायदा हो सकता है, और ये जो मौज मस्ती कर रहे हैं क्या माहौल में चेंज आ सकता है, ये स्ट्रेस का माहौल कम हो सकता है? समथिंग ऐसा है कि जब हम टीवी देखने बैठते हैं ना जी, और ऐसी ऐसी अजीब खबरें आती हैं, और मैं तो मतलब हैरान होता हूँ कि आप ये क्या कर रहे हो आप लोग। आप खबर को इस तरह बना के करते हो कि बिल्कुल लोग बैठ जाएं चुप करके, कुछ भी बात करना बंद कर दें, और बिल्कुल अजीब सा माहौल पैदा कर देते हैं आप ये न्यूज़ चैनल वाले खास तौर पर। फिर हम क्या करते हैं उस सूरत में, हम डिस्कवरी देखते हैं, हम दूसरे एनिमल प्लैनेट पर चले जाते हैं, और इस तरह मतलब हम ये न्यूज़ चैनल्स बंद कर देते हैं यू नो। अब इसमें यह है कि आपको ये चाहिए कि आप न्यूज़ दें, बट उसको इतना हॉरर पैदा नहीं करें, उसको न्यूज़ की हद तक देते हैं बस, उसको इस हद तक आप फैलाएं नहीं कि वो लोग बिल्कुल डिप्रेस हो जाएं और इस तरह वो ये तो ये तो सर हो गया, ठीक है, ये बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि खबरें देखिए, खबरें आती हैं तो खबरें सुनाई जाती हैं, माहौल जी खबरें आती हैं तो खबरें सुनाई जाती हैं, और चले ठीक है कुछ माहौल हमारे ऐसा रहा है, कुछ हालात ऐसे रहे हैं, लेकिन अब तो हालात बेहतर हो रहे हैं, और बेहतर हालात की शुरुआत करने के लिए ही हम एंटरटेनिंग शो कर रहे हैं। तो आप हमारे इस एंटरटेनिंग शो को किस तरह सराहेंगे? बहुत अच्छा जी, इट्स टू गुड। वही मैं चाह रहा हूँ कि आप न्यूज़ दें, बट लेकिन न्यूज़ के साथ आप लोगों को इतना डिप्रेस नहीं करते जाएं कि लोग बस छोड़ना टीवी देखना बंद कर। जी सही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है, न्यूज़ दें लेकिन परेशानी ज़्यादा ना बताई जाए, लेकिन अब परेशान खबर तो परेशानी से बतानी चाहिएगी। और अब ये है कि इंटरटेनिंग शो के हवाले से हमें सर ने बताया कि ये एक अच्छा इकदाम है, एक अच्छी कोशिश है, और पब्लिक में आना चाहिए, इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, हमारी पब्लिक को कैमरे के सामने लाना चाहिए ताकि हमारा मैसेज दुनिया तक पहुंचे कि हमारी पब्लिक भी अब डिप्रेशन से निकल रही है, और अब हमारा जो पंजाब है, पाकिस्तान है, ये पीस में आ चुका है। कुछ और पब्लिक से पूछते हैं कि हम ये जो एंटरटेनिंग शो कर रहे हैं ये लोगों को कैसा लग रहा है, और ये हमारा स्टेप लोगों को किस हद तक पसंद आ रहा है। तो चलते हैं दोबारा पब्लिक में और राय लेते हैं अपने इस शो के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा भाई, क्या नाम है आपका? मुबशिर लतीफ। अब मुबशिर भाई देखे, खबरें और हालात ने लोगों को थोड़ा सा डिप्रेस किया हुआ है, हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं इस डिप्रेशन और स्ट्रेस के माहौल को कम करने के लिए, हम एक फैमिली शो लेके आए हैं, एक एंटरटेनिंग शो लेके आए हैं, तो आपके ख्याल में ये हमारा जो एक स्टेप है ये पॉजिटिव है, और कितना पॉजिटिव है कुछ बताना चाहें आप? जी माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा लगा देखने के हमें, और इस तरह के सेगमेंट्स होने चाहिए तफरीही मुकाम पर, जैसा कि आजकल हमें मीडिया पर मोस्टली नेगेटिविटी देखनी पड़ती है, और जैसा कि आवाम हम डिप्रेस हो चुके हैं इस माहौल से, हर चीज़ नेगेटिव आ रही है, जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाला जा रहा है इसके साथ एक हमारी पब्लिक पे और जो फॉरेन मीडिया पे भी जो जाएगा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा, कि हमारे तफरी मुकाम पर भी ऐसे सेगमेंट्स होने चाहिए और होते भी हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा हमें। हम लोग तो यहाँ चहलकदमी के लिए आए थे, हमने ये देखा है, बहुत पसंद आया हमें, फैमिली शो है, अच्छा है, ठीक है, अल्लाह पाक इसको आगे प्रमोट करने की भी आपको। थैंक यू वेरी मच जी। देखिए जी, उन्होंने भी वही बात की जो हम कर रहे हैं, और हमारी सारी पब्लिक की ही यही राय है, और के जो ये माहौल है हर टाइम चैनल पे लड़ाई झगड़ा, मसले मसाइल, ये हो गया वो हो गया, उस चीज़ से क्या हो रहा है, हमारी पब्लिक परेशान हो रही है, टीवी से उतारती जा रही है, चैनल्स, हाँ चैनल्स पे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ड्रामों में भी ज़रा इंटरटेनमेंट भी डालें, दिखाएं रियलिटी पे ड्रामे दिखाएं, जो घर के हालात है दिखाएं, लेकिन घरों में अच्छे माहौल भी होते हैं, मौज मस्ती भी होती है, उस चीज़ को भी दिखाना चाहिए। उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम अपना ये शो कर रहे हैं, जो कि कंप्लीट फैमिली शो है, मस्ती वाला शो है, ताकि पब्लिक को मिले रिलीफ, और पब्लिक करे मस्ती विद रॉयल मस्ती।
तो चलते हैं दोबारा पब्लिक में। मुझे ये हमारे एक भाई नजर आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं और इनके साथ करते हैं मस्ती। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई क्या नाम है आपका? ताज काकर। ताज काकर साहब, ताज काकर साहब कहाँ से हैं आप? लाहौर से हैं या कहीं आउट ऑफ स्टेशन से आए? जी मैं क्वेटा से हूँ। क्वेटा से आया। ये जी हमारे ताज काकड़ भाई जो हैं ये हमारे मेहमान भी हैं, हम इन्हें सबसे पहले तो वेलकम करते हैं और इनके साथ करते हैं थोड़ी सी मस्ती और इनको थोड़ा सा गेम शो के बारे में बता देते हैं। ताज भाई हमारे पास एक बाउल है, उसमें पर्चियों पे मुख्तलिफ एक्ट लिखे हुए हैं, जो लिखा होगा बस आपने वो परफॉर्म करना है। वो पर्ची आप जरा अपनी प्लीज निकालिएगा। जी बताइएगा वफा, बताइए क्या लिखा है? हसनैन ये तो कमाल ही हो गया है, ताज साहब को हमें इलाकाई रक्स करके दिखाना है। चले जी देखिए, पंजाबी भंगड़ा तो बहुत ज्यादा देखा है और बहुत मजा आया है, लेकिन मैंने देखा है कि जो हमारे केपी के या बलोचिस्तान के जो हमारे पख्तून भाई है ये बड़ा अच्छा इलाकाई रक्स करते हैं, तो हम पब्लिक को भी इंटरटेन करते हैं और खुद भी इंटरटेन होते हैं। मैं अपने साजिद भाई को भी यही कहना चाहूंगा, अपने अब्बास भाई को, कि अब्बास भाई जरा पख्तून धुन बजा दीजिए और जरा इलाकाई रक्स करवा दीजिएगा। तो प्लीज स्टार्ट करते हैं जी अपने इस मस्ती को। जी क्या बात है जी, सिर्फ लाहौरी जिंदा दिल नहीं है या जो है पंजाबी जिंदा दिल नहीं है, वैसे कहा जाता है जी लाहौरी जो है बहुत जिंदा दिल है, लेकिन मैं दाद देना चाहूँगा अपने पख्तून भाइयों को कि किस तरह झूम झूम के मस्ती कर रहे हैं और हमारी मस्ती में जो है शिरकत कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने अपना भाई साहब को दोबारा रखूँ ताज भाई को और ताज भाई का शुक्रिया अदा करूँ। ताज भाई थैंक यू वेरी मच। मैं ताज भाई का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने भरपूर मस्ती की हमारे साथ और मज़ा आ गया इनके साथ मस्ती करके। मस्ती का सिलसिला जारी रहेगा, इसी तरह हम पब्लिक में जाएंगे और मस्ती करेंगे। सो लेट्स मस्ती विद रॉयल मस्ती। तो चलते हैं आगे पब्लिक में मस्ती की, पंजाबियों के साथ, बच्चों के साथ, पख्तून भाइयों के साथ। बहुत मजा आ रहा है मस्ती करने का। हमने अपने शो के बारे में भी पूछा, लोगों ने बहुत अच्छी राय दी, हमारे इस स्टेप को पॉजिटिव करार दिया, तो क्यों ना हम थोड़ा बहुत नए साल के हवाले से पब्लिक में जाएं, उनसे बात करें उनकी क्या विशेज है नए साल के लिए, वो क्या सोच रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान में होना चाहिए। तो चलते हैं पब्लिक में और उनसे बात करते हैं नए साल के हवाले से। ये एक फैमिली नजर आ रही है, इनसे बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम सर, क्या नाम है आपका? खिजर हयात। खिजर हयात साहब, खिजर हयात साहब हमारा एक गेम शो है, सिंपल सा गेम शो है, इसमें हमारे पास एक बॉल है, बॉल में पर्ची है, पर्ची पे जो लिखा होगा वो परफॉर्म करना होगा। आप अपनी मर्जी से कोई पर्ची निकालें, हम पढ़ के सुनाएंगे, वो आप परफॉर्म कर दीजिएगा। जी प्लीज निकालिएगा। जी दिखाइएगा। जी वफा पढ़ के सुनाए क्या लिखा है? कोई मिली नगमा सुनाना है सर को हमें। मिली नगमा, चले जी कोई खूबसूरत सा मिली नगमा सुना दें। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे, तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा। क्या बात है जी, क्या बात है खिजर साहब। आजाद तुझे, देखिए जी हमारी कौम का जज्बा वैसे का वैसे ही है, हमारी मस्ती से आप अंदाज़ा लगा ले कि हम टूटे नहीं है। बहुत से मामूलात आए हमारी ज़िंदगी में, बहुत सी परेशानियां आई, लेकिन आज भी हम वैसे के वैसे ही मजबूत हैं और हमारे जज्बे उसी, आप हमारी मस्ती में हमारे जज्बे ढूंढ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा जी खिजर साहब ने इतना खूबसूरत नगमा सुनाया है हमें, तो उसके लिए थोड़ी सी दाद तो बनती है, तो मैं चाहूँगा पब्लिक ज़रा क्लैप ही कर दे। चले जी शो को आगे लेके चलते हैं, थैंक यू खिजर साहब। अच्छा जी आगे चलते हैं हम पब्लिक में और मस्ती करते ही चलेंगे, करते ही चलेंगे। मस्ती करते करते हम आ गए हैं अब पार्क के अंदर, जहाँ पे लोग खाने पीने के लिए बैठे हुए हैं और यहाँ पे दो भाई बैठे हैं, इनसे बात करके देखते हैं, करते हैं इनके साथ मस्ती। अस्सलाम वालेकुम जी। वस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद हुसैन बलोच। मोहम्मद हुसैन बलोच साहब। अच्छा मोहम्मद हुसैन साहब, हम ये एक मस्ती शो कर रहे हैं रॉयल मस्ती के नाम से,
इसमें करना ये है कि हमारे पास बॉल है, बॉल में से पर्ची निकालें, जो लिखा है वो परफॉर्म करके दिखाएं। तो प्लीज अपनी पर्ची निकालिएगा जी, दिखाइएगा क्या लिखा हुआ है, बताइएगा जी। सर आपको ना सुल्तान रही की आवाज हमें सुनानी होगी। सुल्तान रही साहब, सुल्तान रही साहब लेजेंडरी एक्टर थे, सुल्तान रही साहब एक लेजेंडरी एक्टर थे और उनकी क्या बात है, उनकी एक डिफरेंट आवाज थी, एक यूनिक वॉइस थी। तो देखते हैं भाई वो आवाज निकाल पाते हैं या नहीं। देखिए जी, बात ये है कि सुल्तान रही की फिल्में कम देखी है मैंने, लेकिन अब मैं आपसे अहद कर चुका हूँ कि जो भी निकला मैं वो करूँगा। बहरहाल कोशिश करते हैं। मौला नू मौला ना मारे तो मौला कदी नहीं मार सकता। वाह जी वाह, क्या बात, बहुत आला जी। ये उनका एक मशहूर डायलॉग है और मेरे ख्याल से सदा बाहर डायलॉग है जो सुल्तान रही साहब ने बोला था, मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं यूं मरदा। मैं कहता हूँ जी कि बहुत बड़ी बात है, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है। तो भाई हम चार लोग ही क्लैपिंग कर लेते हैं भाई के लिए। देखिए जी, बहुत सारी मस्ती की, बहुत मज़ा आया, पब्लिक के साथ हमने खूब हल्ला गुल्ला किया, हमारा मस्ती का सिलसिला जारी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा पहला जो सेगमेंट था वो गेम शो का था और दूसरा सेगमेंट है हम किसी सेलिब्रिटी के पास जाएंगे और उसके साथ करेंगे खूब सारी मस्ती। तो मैं अपनी सेलिब्रिटी के बारे में ये बताना चाहूँगा कि एक इंतहाई मशहूर म्यूज़िकल घराने से इनका ताल्लुक़ है और इस घराने की म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत सी खिदमात हैं। और इनका जो जिनसे हम आज मिलने के लिए आए हैं, इनका एक बहुत जो है चुलबुला सा गाना जो कि मुझे बचपन से बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट गाना है, एक डायलॉग था लाहौर लाहौर है, उस डायलॉग को लेकर इन्होंने एक इतना खूबसूरत गाना बनाया जो हर जुबान पे चढ़ा, हर पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में उस गाने को पसंद किया गया। नाम है जी इनका तारिक ताफू साहब और जिनको प्यार से सन ऑफ लाहौर भी कहते हैं, क्योंकि सन ऑफ लाहौर का नाम स्पेशली इनका तब पड़ा था जब इन्होंने ये गाना गाया लाहौर लाहौर है। तो चले अब कुछ उनसे मस्ती करते हैं, कुछ उनकी लाइफ के बारे में पूछते हैं और उन्होंने लाइफ में क्या क्या मस्ती की वो डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, कैसे हैं आप? माशाल्लाह मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशन ऑन सक्सेस। ये आपका जो मस्ती धमाका धमाल प्रोग्राम है आपका, और मैं समझता हूँ कि इस टाइप के प्रोग्राम होने चाहिए जो सच्चे और रियल होते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। मैं ताफ़ साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम की तारीफ़ कर रहे हैं और जिस तरह से आपने हमारे प्रोग्राम की तारीफ़ की है, हमारा प्रोग्राम मस्ती पे है तो हम चाहेंगे आप भी हमारे साथ थोड़ी मस्ती करें। बचपन आपका अंदरून में गुजरा है और बहुत बहुत लेजेंडरी सिंगर म्यूजिशियन हमारे वर्ल्ड सिटी से है, अंदरून से है ना, तो अंदरून में आपका बचपन गुजरा, वहाँ पे हल्ला गुल्ला बहुत होता है, मौज मस्ती बहुत होती है,